Hey guys, so I hope you have got the second law of motion. आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. एक लास्ट लॉ बचा है हमारा, जो कि है न्यूटन्स थर्ड लॉ. इट वेरी इजी एंड द मोस्ट लाइकेबल कॉन्सेप्ट, लाइकेबल लॉ आई गेस, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा लॉ है और सब सारे बच्चों को याद भी रहता है. तो लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. व्हाट डज दैट मीन? कि कोई भी एक्शन करो तो उसका इक्वल एंड अपोजिट आपको रिएक्शन मिलना ही है. मतलब अगर मैं इस फिस्ट को फोर्सफुली वॉल पे हिट करता हूँ तो आपको वॉल भी सेम फोर्स देगा. ठीक है, मैं आपको हिट करूँगा तो वॉल हिट करता है कि नहीं? आपको करता है? नहीं करता है. बट वो एक और अपोजिट रिएक्शन दे देता है. कैसे? देखो, मैंने वॉल को हिट किया, जोर से हिट किया, तो आपको कैसे पता चला कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसने दिया है, वॉल ने दिया है? तो कैसे पता चलता है कि आपको जो फिस्ट है आपका हर्ट हो सकता है. इट कैन गेट ब्रोक, कैन गेट ब्रोकन ऑल्सो. सो ये रीजन से पता चल जाता है कि वॉल भी आपको रिएक्शन देता है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं, यहाँ पर कॉर्नर में लाइन से बच्चे बैठे हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पर वॉल को हिट किया तो मुझे यहीं पर रिएक्शन देगा, मुझे ही रिएक्शन देगा, ना कि किसी और बच्चों को देगा. मतलब मैंने यहाँ पे हिट किया तो वो लास्ट बेंच पे जाके किसी बच्चे को हिट कर रहा है बॉल, नहीं, वो मुझे ही हिट करता है. करेक्ट है? सो इट शोज दैट एवरी एक्शन इज इक्वली अपोजिट रिएक्शन अंदर सेम, मतलब सेम पर्सन को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिल जाता है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं. सो एग्जाम्पल में रॉकेट थ्रस्ट बात कर लेते हैं. एक एग्जाम्पल तो हम लोग ने देख लिया वॉल वाला. और रॉकेट थ्रस्ट क्या होता है बेसिकली? कि आप रॉकेट जब लॉन्च होता है तो वो क्या करता है, थ्रस्ट फोर्स यूज करता है अर्थ के अगेंस्ट में. और इसी तरह अर्थ ने भी इक्वल अपोजिट फोर्स दे देता है, उसकी वजह से वो ऊपर चल जाता है. ठीक है, दैट इज हाउ लॉन्चिंग ऑफ द रॉकेट इज डन. दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. व्हेन इट इज शॉट, राइफल ले लेते हैं. राइफल देखा रहेगा आपने, जब राइफल शूट किया जाता है तो राइफल पीछे आता है. बुलेट को हम लोग जब फोर्स देते हैं, फोर्सफुली आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो बुलेट की वजह से क्या होता है, राइफल भी पीछे आता है. ठीक है, एंड इट इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ. और एग्जाम्पल ले लेते हैं गार्डनिंग हाउस. कभी गार्डन जाके पाइप से ऐसा गार्डनिंग किया है आप लोगों ने? किया रहेगा तो आपको पता रहेगा कि जैसे ही आप टैप ऑन करते हैं और फोर्सफुली पानी बाहर आने की कोशिश करता है थ्रू दिस पाइप गार्डनिंग हाउस से, तो आप क्या करते हो कि आपने क्या किया, पाइप ने उसका फोर्स दिया यहाँ पे वाटर को, और वाटर भी क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दे देता है. एंड दैट इज व्हाई ये ऐसा घूम जाता है. सो इस तरह से पीछे की तरफ आता है बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता जा रहा है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. और एग्जांपल ले लेते हैं बलून वाला. बलून के केस में क्या होता है, आप एयर को बाहर की तरफ फेंकता है, बलून फोर्स लगाता है, तो उसने भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दे देता है. एंड दैट इज द रीजन बलून ऐसे घूमते 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 जाके स्मॉल हो जाता है, जो भी है स्नेक करता है. करेक्ट है? एंड दिस इज अ नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. इफ यू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ मोशन, के तीनों लॉ आपको समझ में आ गए, सो होप टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड शेयर विद द पीपल यू थिंक इट इज वेरी हेल्पफुल. ठीक है, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. विल सी द एग्जांपल इन द नेक्स्ट वीडियो, एप्लीकेशन इन द नेक्स्ट वीडियो.